हाय फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि प्रोफाइल अपनी कैसे क्रिएट करेंगे freelancer.com पे, कैसे बेस्ट से बेस्ट अपनी प्रोफाइल को हम बना सकते हैं। सो लास्ट टाइम हमने जैसे कि प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी, राइट? और हमने फ्री प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी। सो क्या अब हमें मंथली कुछ पे करना होगा या हम फ्री मेंबर रह के यहाँ पे अपनी प्रोजेक्ट्स को गेट कर सकते हैं? सो आइए जानते हैं। सो अभी जैसे शो हो रहा है कि हम लोग फ्री मेंबर हैं और यहाँ पे आप जाएंगे मेंबरशिप में। सो यहाँ पे कई सारे प्लान्स हैं। सो अभी ये एनुअली प्लान शो कर रहा है, पहले हम मंथली प्लान देख लेते हैं। सो हम इसे यहाँ से ऑफ करेंगे और ये मंथली अब शो होने लगा। सो सबसे बेसिक जो मेंबरशिप है वो 329 पर मंथ है। ये डॉलर में नहीं लिखा हुआ है, मींस आपको रुपीस पे करना है 329 रुपीस पर मंथ, जो कि बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। अगर आप 500 भी इस वेबसाइट से पूरे महीने में अर्न कर लेते हैं तो 329 आपको देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो 329 पर मंथ का बेसिक प्लान है यहाँ पे, जिसमें आपको 50 बिट्स पर मंथ मिल जाएंगी। बिट्स मतलब कि आप कितने प्रोजेक्ट्स के लिए हर महीने अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से समझते हैं। सो आपको 50 बिट्स मिलेंगी हर महीने। 50 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में, फ्री मेंबर थे तो 20 स्किल्स सिर्फ ऐड कर सकते थे। अब हम 50 ऐड कर पाएंगे, रिवॉर्ड्स को अनलॉक कर पाएंगे, जो कि रिवॉर्ड्स हमने देखे थे प्रोफाइल में अपने। प्रोजेक्ट्स को बुकमार्क कर सकते हैं, प्रिफर्ड फ्रीलांसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कवर फोटो लगा सकते हैं अपने प्रोफाइल में। और 3 हाईलाइटेड कॉन्टेस्ट एंट्री पर मंथ आपको फ्री मिलेगी, प्लस 12 फ्री सील्ड कॉन्टेस्ट एंट्री मिलेगी आपको पर मंथ। और 5 एम्प्लॉयर फॉलोइंग आपको मिलेगी, सब इतने लोगों को फॉलो वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि हमारी प्रोफाइल न्यू है तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री ट्रायल दे रहा है आपको, आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं फ्री में, पर इसके लिए आपको पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। उसके बाद ये आपकी पेमेंट कट करने लगेगा मंथली, मीन्स एक मंथ कंप्लीट होते ही। सो प्लस मेंबरशिप है ये, 100 बिट्स आपको पर मंथ मिलेगी। इस तरीके से स्किल्स वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप डेली विड्रॉ कर सकते हैं पैसे वगैरह, और ये इसमें इंक्लूड हो जा रहा है। इसमें आपका डेली नहीं, आपको 2-3 दिन लग जाते हैं विड्रॉ होने में बेसिक में। ये सारे ऑप्शन है जो कि आप देख सकते हैं। फिर अगर आपने प्रोफेशनल मेंबरशिप लेंगे जो कि 2000 पर मंथ है, सो ये सब आपको मिलेंगे। 300 बिट्स आपको मिलेंगी, 100 स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं, क्लाइंट एंगेजमेंट, बिड इनसाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। या वो सारी ग्राफ्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। प्लस कितने प्रोजेक्ट्स में क्या क्या आपको फ्री मिलेगा, ये सारी कुछ चीज़ें, स्किल्स आपकी बढ़ जाती है। मेनली बिट्स आपकी इंक्रीज हो रही है और स्किल इंक्रीज हो रही है। और ये आपका 4000 पर मंथ है प्रीमियर, शायद ही कोई लेता होगा, आई डोंट नो। और 1500 बिट्स यहाँ पे मिल जाती हैं। सो 1500 प्रोजेक्ट्स पे बिड करना ही बहुत मुश्किल है हमें एक महीने में, क्योंकि हम सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई तो करेंगे नहीं। जो जो हमें समझ में आएगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं, हम उसी पे अप्लाई करेंगे। सो 1500 प्रोजेक्ट पर मंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। आप जान लेते हैं पहले फ्री मेंबरशिप के बारे में, जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। अभी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या ड्रॉबैक है ये हम जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोगो डिज़ाइन का एक प्रोजेक्ट हमें शो हो रहा है, नोटिफिकेशन पे हमें सारे प्रोजेक्ट्स शो होते रहते हैं, हर सेकंड यहाँ पे प्रोजेक्ट आता है। सो जब हमने इस प्रोजेक्ट पे हम यहाँ पे आए हैं तो आप देखिए नीचे यहाँ पे शो हो रहा है योर बिड फ्री मेंबर 6 बिड लेफ्ट आउट ऑफ 6, मीन्स अभी तक हमने कोई भी बिड नहीं किया है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है। सो हमें मंथली फ्री मेंबर के एज अ फ्री मेंबर अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ 6 बिड मीन 6 जॉब के लिए पूरे महीने में हम सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी अगर आपको बिल्कुल पे नहीं करना है, आप अगर आप मेंबरशिप लेंगे, जैसा कि हमने देखा अगर आप बेसिक मेंबरशिप लेते हैं तो आप 50 बिट्स आपको पर मंथ मिल जाएगी, लेकिन अभी फ्री मेंबर हैं हम लोग तो हमें 6 बिट्स सिर्फ मिली है। मीन्स अगर हमने 6 प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर लिया तो फिर हम बिड नहीं कर पाएंगे। ऑटो इंक्रीज होता है
3-4 डेज में एक बिड आपको फिर वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है, फिर आप 3-4 दिन बाद एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो जैसे कि आप न्यू हैं यहाँ पे, आज ही फ्रीलांसर ओपन किया और आपको दिखे कि 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेरे ही, जैसे कि अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपको 6 लोगो डिज़ाइनिंग का प्रोजेक्ट आपको दिख गया जो आपको समझ में आया, जिसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के कि हाँ आप ये कर सकते हैं, तो आप एक ही दिन में 6 बिड कर लोगे। फिर क्या आप पूरे मंथ खाली बैठे रहोगे? ऐसा तो नहीं करना है। सो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप बेसिक मेम्बरशिप ले लें। बेसिक मेम्बरशिप मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ और 50 बिट से ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक 50 बिट के बाद आपका इंक्रीज भी होता रहता है, प्लस आपको रिवॉर्ड्स जब मिलते हैं तो उसमें भी आप अपनी बिड इंक्रीज कर सकते हैं। सो रिवॉर्ड्स आपके अनलॉक हो जाते हैं बेसिक में। बिड के लिए अगर आप ये प्लस प्रोफेशनल और ये लेते हैं तो वो वर्थ इट नहीं है, जैसा कि मैंने अगर यूज़ किया है फ्रीलांसर। अगर आप बाकी चीज़ों के लिए ले रहे हैं कि आपको डेली विड्रॉ चाहिए, ये सारी फैसिलिटीज़ चाहिए, या फिर आप पैसे पे कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन बेसिक में आपका पूरा सही से चलेगा फ्रीलांसर और आपकी बिट्स कभी कम नहीं होंगी। 50 स्किल्स भी बहुत है, इससे ज़्यादा स्किल्स ऐड करके आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे आप, और 50 स्किल्स अपने आप में बहुत है, क्योंकि इतनी स्किल्स आपकी मेन, किसी इंसान के अंदर कितनी स्किल्स होंगी, मेन स्किल्स जो जिसमें वो एकदम 100% एक्सपर्ट है। तो आपको जब वो 50 आप ऐड कर ले रहे हैं, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, तो फिर आपको बाकी स्किल्स ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ स्किल आपने ऐड कर ली है जैसे 50, और उसमें आपको कुछ में फिर बाद में प्रोजेक्ट्स नहीं सही आ रहे हैं, तो आप उसको 10 चेंज कर लीजिए, 10 डिलीट कर लीजिए, 10 और न्यू ऐड कर लीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो बेसिक मेंबरशिप सबसे बेस्ट है। स्टार्टिंग में मैंने कोई भी मेंबरशिप परचेज नहीं की थी, क्योंकि मुझे अपना पेमेंट वेरीफाई करना सही नहीं लग रहा था, मैं न्यू थी, मुझे लगा कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और फिर मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में मुझे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया, जिसमें मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट में मेरी फर्स्ट अर्निंग थी $10 की, और $10 जब मुझे मिल गए, उसके बाद फिर और प्रोजेक्ट्स मुझे मिले। जो भी आपने अर्न किया है वो आपका, अगर आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो आपके इसी अकाउंट में ऐड होते जाएंगे और यहीं पे शो होते रहेंगे। सो जब मेरी अर्निंग हो गई थी तो मैंने उसी से फिर बेसिक मेंबरशिप को परचेज किया था। लेकिन मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही कि आप भी ऐसा करिए, क्योंकि आपको ज़्यादा से जल्दी अपनी फर्स्ट जॉब मिलनी है, और 300 रुपीज़ अगर आप पे कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेंबरशिप अगर आप ले लेंगे तो आपको 50 बिट्स मिल जाएंगे। आप, हो सकता है कि 5 दिन में ही आपको आपका फर्स्ट जॉब मिल जाए, क्योंकि आप अच्छे से बिड कर पाएंगे, आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए और ये 329 रुपीज़ आप पे कर दीजिए। अगर आपको मंथ में कोई भी 500 रुपीज़ का भी जॉब मिल गया और आपको 500 ही अर्निंग हो गई, तो भी आपको 150 प्लस तो आप अर्निंग कर लिए। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना? और फिर स्टार्टिंग में तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, चाहे हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं। आप मेंबरशिप तभी बाय करिए जब आप एकदम रेडी हो कि आज से मुझे बिड करना है, आज से मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा या करूंगी, और मैं कम से कम 2 घंटे से लेकर के 8 आवर्स तक ऑनलाइन रहना है हमें, क्योंकि हमें जॉब की ज़रूरत है और हम अपने लिए जॉब को ढूंढेंगे। जॉब को ढूंढ करके जो भी हमारे स्किल से रिलेटेड जॉब होगी उस पर हम अप्लाई करेंगे। सो अगर आप उसके लिए एकदम रेडी हैं, ऐसा नहीं है कि आपने परचेज कर लिया, आपका 300 वेस्ट हो गया, और आईडी बनाने के बाद आपने 1-2 दिन बस लॉग इन किया, 1-2 प्रोजेक्ट्स पे बिड किया, उसके बाद तब तो आपका 329 वेस्ट जाने वाला है। सो अगर आप एकदम मेंटली रेडी हैं तब आप परचेज कर लीजिए। अगर आप बस सिर्फ टाइम पास के लिए यहाँ पे देखना चाहते हैं या कि कैसे बिड होता है, कैसे प्रोजेक्ट मिलेगा, तब आप फ्री मेंबर रहिए, कभी कभी लॉग इन करिए, तब तक आपकी 1-2 बिड आपको मिलती रहेगी। अगर आपको सीरियसली वर्क करना है तो आप बेसिक मेंबरशिप परचेज कर लीजिए और वर्क स्टार्ट करिए। भी जॉब करेंगे तो हमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा उसमें, उसी तरीके से आपको फ्रीलांसर में भी थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट ढूंढना होगा, उस पर आपको बिड करनी होगी। अब देख लेते हैं, हमने सिर्फ मंथली देखा था, एनुअली वाला देख लेते हैं।
एनुअली में आपका थोड़ा सा कम हो जाता है, एनुअली में आपका 299 पर मंथ हो जाता है, 3588 रुपीस पे करने होंगे आपको एक बार में, और आप पूरे साल के लिए ये बेसिक मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप न्यू हैं तो आप पूरे साल के लिए मत लीजिए, पहले आप अपनी फर्स्ट मंथ के लिए लीजिए, क्योंकि 299 और 329 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 29 रुपीस का डिफरेंस है। तो आप मंथली से स्टार्ट करिए, सीधे आप इतने ज़्यादा पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हो सकता है बाद में आपकी कहीं जॉब लग जाए या आप इंटरेस्टेड ना हो तो आपका ये वेस्ट जाएगा। कई बार ऑफर्स भी आते हैं कि आपको बेसिक मेंबरशिप 2000 अराउंड में मिल जाएगा, 2000 से 2500 के बीच में मिल जाएगा। कई बार क्रिसमस पे ऑफर्स आते हैं या बीच में कभी कभी ऑफर्स आते हैं। सो आप ये मेंबरशिप वाले पे चेक करते रहिए, या फिर आपको फ्रीलांसर की तरफ से मैसेज भी आ सकता है कि इस समय ये मेंबरशिप में ये डिस्काउंट चल रहा है, आप मेंबरशिप ले लीजिए, अपनी अपग्रेड कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और कि अगर आप बेसिक मेंबरशिप लेते हैं तो फिर आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल के लिए, प्लस के लिए, प्रीमियर के लिए आप अपग्रेड कर सकते हैं। शायद अगर आपने एनुअली ले लिया है तो आप डीग्रेड नहीं कर सकते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये था टोटल मेंबरशिप के बारे में कि आपको कितना पे करना होगा फ्रीलांसर को मंथली अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस पेमेंट या मेंबरशिप से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बिट कैसे करते हैं, मीन्स हम अपनी न्यू जॉब के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे हमें जॉब मिल सकती है, कैसे हम क्लाइंट से इंटरेक्ट करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट्स पे हमें बिट करना चाहिए, ये सारा कुछ हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोज़ आने वाले हैं, अर्निंग से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड और टेक्निकल रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हों वो सॉल्व की जाएंगी। थैंक यू सो मच।